हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मुझे मेरे फ्रेंड ने ट्रैप किया है एक बेडरॉक केज में, एंड उसने कहा है इससे एस्केप करना इम्पॉसिबल है। तो गाइस आपको तो पता ही है हमारे लिए कितना इम्पॉसिबल है, तो चलिए इसे एस्केप करते हैं। तो गाइस यहाँ पे वो कुछ मुझे कॉबल स्टोन दिए गए हैं एंड मेरे पास कुछ टूल्स भी हैं आयरन के। तो गाइज मैं देखूं तो मेरे चारों तरफ कॉबल स्टोन ही कॉबल स्टोन है एंड मेरे ऊपर बेडरॉक है जिसकी वजह से मैं निकल भी नहीं सकता। एक मिनट गाइज, मेरे पीछे ये वुड है ना, राइट, एंड वुड के साथ यहाँ पे एक चेस्ट भी है। सो जल्दी से इस वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड मिलता हूँ कलेक्ट करने के बाद। ओके गाइज, सो मैंने वुड तो कलेक्ट कर ली है एंड अभी इससे मैं एक ही चीज़ क्राफ्ट कर सकता हूँ जो कि है वुड प्लैंक, एंड वुड प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल तो प्लेस कर दी है लेकिन क्राफ्ट करने को कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इन कॉबल स्टोन को ही कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो मेरे पास आ चुके हैं पूरे 8 कॉबल स्टोन एंड आपको तो पता ही होगा 8 कॉबल स्टोन से हम क्या क्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने अभी क्राफ्ट कर लिया है एक फर्नेस, तो इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब मुझे इसमें कुछ स्मेल्ट करने के लिए कोल चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। चेस्ट के बारे में मैं तो भूल ही गया था एंड चेस्ट के अंदर मुझे 2 कोल और 2 आयरन इंगट मिले हैं। ओके, तो ये जो मेरे पास आर्मर और टूल्स हैं इन्हें मैं स्मेल्ट कर सकता हूँ ना, बट बस मेरे पास 2 कोल हैं। देखते हैं मैं इससे स्मेल्टिंग कर पाता हूँ, अगर कर दी तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इन्हें स्मेल्ट कर लेता हूँ। फाइनली गाइज ये सब स्मेल्ट हो चुके हैं एंड इससे मिले मुझे 9 आयरन नगट, इनसे मैं एक आयरन इंगट बना सकता हूँ। ओके, तो मैं इन 3 आयरन इंगट से एक बकेट बना सकता हूँ जो कि मैंने बना ली है। अभी मुझे बकेट में भरने के लिए वाटर भी चाहिए। एक मिनट गाइज, मुझे यहाँ पे वाटर की आवाज़ आ रही है। एक मिनट, ये तो मैंने देखा ही नहीं, मेरे नीचे एक ब्लॉक है, इसे तोड़ के मैं सीधा एस्केप कर सकता हूँ ना। वेट, इसके नीचे तो वाटर है लेकिन एस्केप करना तो जब भी हार्ड है क्योंकि यहाँ पे बेड रॉक लगा हुआ है एंड इसे मैं जब भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे वाटर तो मिला, अब मैं वाटर की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ से तो एस्केप कर लिया है। ओके, सो सबसे पहले मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट और फर्नेस को कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने तीनों को कलेक्ट कर लिया है एंड मुझे वहाँ पे कोने में कुछ दिख रहा है। ओके, सो शायद से मुझे यहाँ पे वाटर प्लेस करना है। यहाँ तो मैं कुछ ग्रो कर सकता हूँ लेकिन ग्रो करने के लिए सीड चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। क्या मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ? नहीं, मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता। एक मिनट, स्टार्टिंग में मैंने एक चेस्ट देखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एक हाइड चेस्ट है एंड अगर ये मुझे मिल गई तो मज़े आ जाएंगे। ओके, तो मैं जल्दी से इस चेस्ट को ढूंढ लेता हूँ। ओके, सो मुझे चेस्ट मिल गई है एंड इस चेस्ट के अंदर कुछ बोन मील है एंड 2 सीड्स हैं। सो मैं इस चेस्ट को भी कलेक्ट कर ही लेता हूँ। लेकिन इस गेम में मुझसे कहा गया है कि मुझे चेस्ट, बकेट और फर्नेस इस हॉपर में डालना है, मैं इसे नहीं कलेक्ट कर सकता। देखते हैं कि मुझे मिलता है या फिर नहीं, ये तो जादू से गायब भी हो गया सब कुछ।
ओके सो अब हम अपना काम करते हैं सीड ग्रो करने का। ओके सो मेरे पास आ चुके हैं 9 वीट्स एंड इन वीट्स से मैं दो ही चीज़ क्राफ्ट कर सकता हूँ, एक है हेबेल और एक है ब्रेड। सो गाइस मैंने अभी एक हेबेल क्राफ्ट कर ली है। अभी मुझे समझ आ चुका है मुझे क्या करना है। मुझे इस हेबेल से एमएलजी करना है एंड मैं एस्केप हो जाऊंगा। सो अगर मैंने ये एमएलजी करा तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो आर यू रेडी? 3, 2, 1 लेट्स गो। गाइस हमारे लिए तो ये बच्चों का खेल है। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।